इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में आज बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी। तो आज प्रदेश भर के बिजली कर्मी काम बंद करेंगे। विद्युत अधिकारी कर्मचारी आज काम का बहिष्कार करेंगे। प्रदेश में आज बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी। अधिकारी कर्मचारी मोबाइल बंद कर काम का बहिष्कार करेंगे। इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर सभी कार्य का बहिष्कार करेंगे। 25,000 नियमित कर्मचारी, 6,000 संविदा कर्मचारी, 35,000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारी काम का बहिष्कार करने जा रहे हैं। तो आज बिजली व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, क्या कुछ अधिक जानकारी जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आज प्रदेश में बिजली व्यवस्थाएं प्रभावित होने वाली हैं, क्योंकि जो बिजली कर्मचारी हैं वो काम बंद करेंगे, आज अपना एक मोबाइल बंद कर काम बंद करने वाले हैं, क्या कुछ ये पूरी अधिक जानकारी है। हाँ बिल्कुल, देखिए 25,000 नियमित कर्मचारी हैं, 6,000 संविदा कर्मचारी हैं और कहीं ना कहीं 35,000 जिस तरीके से आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, जो बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने में सहभागिता निभाते हैं, और यही पूरे कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं आज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, और इसी विरोध के तहत आज वो दिन भर जो है वो मोबाइल बंद करके काम करेंगे। हालांकि इमरजेंसी जो व्यवस्थाएं हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी व्यवस्थाएं जो है वो ठप होने की नौबत बन सकती है, और इसी को लेकर तमाम सारे जो जिस तरीके से देखने में आया कि तमाम सारे अधिकारियों ने चर्चा भी की। हालांकि अभी कर्मचारी और अधिकारी जो है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि संसद में जो बिल पेश किया जा रहा है उस बिल के वो खिलाफ है, और इस बिल के खिलाफ जब है तो कहीं ना कहीं वो इसका विरोध भी जताएंगे, और देश भर में कहीं ना कहीं इसी तरीके के हालात जो है वो देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश में खासतौर से एक बात कही जा रही है कि जो कार्यकर्ता, जो कर्मचारी और अधिकारी अगर काम बंद करते हैं तो काफी बड़ी संख्या में बिजली व्यवस्था जो है वो ठप हो सकती है, और प्रभावित इतनी होगी कि काफी परेशानी जो है वो लोगों को हो सकती है। हालांकि अभी ये पूरा जो काम बंद करने का जो तरीका है या काम बंद करने का समय है तो वो एक ही दिन का रखा गया है, लेकिन अगर ये अमेंडमेंट को कैंसिल नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में और भी प्रदर्शन और भी विरोध जो है वो बिजली कर्मचारियों का सरकारों को देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक दिन का ही है, लेकिन आगामी दिनों में किस तरीके की रणनीति तय होगी ये बिजली कर्मचारियों का जो संगठन है वो तय करेगा, और उसके बाद फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और आगे की रणनीति पर काम भी किया जाएगा। तो ये जरूर है ऋतु, बिजली कर्मचारी तमाम सारे हैं, और बिजली कर्मचारियों की भी अगर बात की जाए तो 66,000 से 70,000 के बीच में ये कर्मचारी हैं, और अगर मध्य प्रदेश में ये सारे कर्मचारी छुट्टी पर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं खासी परेशानी जो है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के रहवासियों को झेलनी पड़ सकती है। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहिए आपके पास, फिर लौटते हैं। तो आज बिजली व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, जो क्योंकि जो 70,000 के करीब जो कर्मचारी हैं वो अपनी मांग इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, बिजली कर्मचारी ये काम बंद करने वाले हैं, अपने मोबाइल बंद कर प्रदर्शन करने वाले हैं। हालांकि कई परेशानियां होंगी इससे, लेकिन इमरजेंसी सुविधाएं चालू रहेंगी।